दोस्तों हमारे पास में एक फ़ोन आया है जो कि काफ़ी अल्टीमेट इसका सीपीयू है, जिसका वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। तो ये है वन प्लस टेन टी मॉडल और ये डेड है, ठीक है। इसका मैंने बैक पैनल निकाला है, फ़ोन को मैंने खोल लिया है और मैंने फ़ोन पे जो है ट्रेसिंग की है, फाइंडिंग की है, किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कैप शॉट नहीं है, कोई सप्लाई शॉट नहीं है। बट इसमें जो प्रॉब्लम है कुछ सीपीयू का ही इशू हो सकता है। सो फर्स्ट हम इसका रैम रिबॉल करेंगे और देन देखेंगे कि फ़ोन हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। तो इसका रैम किस तरह से रिबॉल करेंगे और उसका सीपीयू जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो वीडियो को पूरा देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं।
और अभी मदरबोर्ड को हम थोड़ा कूल होने देंगे, देन उसके बाद हम इसमें जो हमने हीट प्रोटेक्शन के लिए जो टेप लगाई थी उसको हम रिमूव करेंगे और मदरबोर्ड को क्लीन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम और फ़ोन को चेक करते हैं कि फ़ोन ऑन होता है या ऑन नहीं होता है, क्योंकि हमने फ़ोन का मदरबोर्ड से डायरेक्टली सीपीयू को बाहर नहीं किया है। सीपीयू के ऊपर जो रैम लगा होता है, हमने रैम को निकाल कर रिबॉल किया है। और अभी हम चेक करते हैं कि हमारा मदरबोर्ड ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो उससे पहले क्लीनिंग ज़रूरी है, जो भी पेस्ट मदरबोर्ड पे अप्लाई होता है, जो भी पेस्ट नेसेसरी लग जाता है उसको हमको पूरा क्लीन करना होता है। फर्स्ट हम यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, किसी तरह की कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि इसका इस फ़ोन का जो बूट केबल में बैटरी कनेक्टर है वही नहीं है, और इसमें जो है डबल कनेक्टर वाली बैटरी लगती है, तो इसमें किसी तरह की कोई शॉर्टिंग मेरे को नहीं दिखी। तो अभी हम इसको डायरेक्टली जो है यहाँ पर फ़ोन में हम इसको इंस्टॉल करते हैं और चेक करते हैं कि फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो सभी कनेक्टर्स को कनेक्ट कर देंगे और लास्ट में हमको बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी नेटवर्क केबल्स, कैमराज वगैरह सब लास्ट में चेक करेंगे। अभी हम फर्स्ट फ़ोन को देखते हैं कि फ़ोन हमारा ऑन होता है या नहीं। फ़ोन मिंट वाइब्रेट हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन में जो है वन प्लस का लोगो आया है, एंड लोगो आके चला गया है। सो हो सकता है कि फ़ोन हमारा डिस्चार्ज हो। सो अभी हम फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं और यहाँ पे देख सकते हो वन प्लस का लोगो आया फिर से। सो देखते हैं फ़ोन आई थिंक स्टार्ट होगा या बैटरी का यहाँ पर लोगो शो करेगा। तो फ़ोन यहाँ पे हमारा ऑन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो फ़ोन को पूरा ऑन होने देते हैं और देखते हैं फ़ोन पूरा ऑन होता है या नहीं होता है, और फ़ोन ऑन होने के बाद किस तरह से वर्किंग करता है। क्योंकि फ़ोन हमारा जो है ऑन हो गया है तो पहले जैसा ही वर्क करेगा, क्योंकि मेन जो फॉल्ट था वो था कि फ़ोन डेड था। सो अभी फ़ोन ऑन हो रहा है, फ़ोन को ऑन होने देते हैं और यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन हमारा जो है पूरी तरह से ऑन हो गया है और यहाँ पर नॉर्मली वर्क कर रहा है। सो गाइस देख सकते हो फाइनली हमारा फ़ोन रेडी हो चुका है, वन प्लस टेन टी, एंड इसमें जो फॉल्ट था फ़ोन हमारा डेड था और फ़ोन सीपीयू की वजह से डेड था, इसमें रैम का इशू था, बट हमने पूरा सीपीयू रिबॉल नहीं किया है, हमने सिर्फ रैम को निकाला और रिबॉल करके देन इंस्टॉल किया है। तो इस फ़ोन में जो सीपीयू था आप देख सकते हो किस तरह का इसका सीपीयू था, और हमने उसको इजीली
रिपेयर किया है। तो इस तरह से आप भी किसी भी इस टाइप के सीपीयू को रिपेयर कर सकते हैं। ये सीपीयू जनरली सैमसंग के कुछ एस ट्वेंटी प्लस सीरीज़ के जो फ़ोन हैं उनमें ज़्यादातर आते हैं। बाकि कुछ ओप्पो के फ़ोन से कुछ वन प्लस के फ़ोन हैं जिनमें इस तरह का सीपीयू लगा होता है। तो ये हमारा वन प्लस टेन टी मॉडल था और इसका हमने जो है रैम निकाला और सक्सेसफुल उसको हमने रिमूव किया और उसको इंस्टॉल किया तो फ़ोन हमारा नॉर्मली ऑन हो गया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यही कहना चाहूँगा कि सपोर्ट करो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियोस को पूरा वॉच करो। जो भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ सभी कुछ अलग यूनिक फोल्ड पर होती हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। इस फ़ोन के सीपीयू पर पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं था, तो इस सीपीयू के ऊपर ये फर्स्ट वीडियो रहा है यूट्यूब पर। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।